कहाँ है हिंदुओं का पहला शक्तिपीठ जहाँ मुस्लिम भी करने आते हैं पूजा? माँ की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है ये शक्तिपीठ, जिसके आगे अन्य धर्म के अनुयायी भी हैं नतमस्तक। दोस्तों, रहस्यमय इस शक्तिपीठ को शास्त्रों में आग्नेय तीर्थ कहा गया है। शिव पुराण, देवी भगवती पुराण और कलिका पुराण में भी हिंदुओं के इस पहले शक्तिपीठ का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है अघोर पर्वत पर यही वो स्थान है जहां माता सती का पहला शक्तिपीठ स्थापित है, लेकिन ये मानव निर्मित नहीं बल्कि आपरूपी है। पौराणिक कथा के अनुसार जहां जहां माता सती के अंग गिरे थे वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार हिंदुओं के कुल 51 शक्तिपीठ है। इन्हीं में से एक सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है जिसे हिंगलाज माता के शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये शक्तिपीठ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में है, जिससे अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लारी तहसील में हिंगोल नदी के तट पर स्थित माता हिंगलाज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम पुजारी ही माँ की सेवा में दिन रात रहते हैं। आज यहाँ कई मुस्लिम पुजारी भी आते हैं। दोस्तों, हर साल नवरात्रि के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन एक चीज जो सभी को हैरान करती है वो यहाँ आने वाले मुस्लिम अनुयायियों की भीड़। मान्यता है इस हिंगलाज माता शक्तिपीठ के दर्शन करने जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। कराची से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के बीच स्थित माता हिंगलाज का शक्तिपीठ यहाँ हिंगुला माता या नानी का मंदिर भी कहलाता है। मुस्लिम अनुयायी इसे बीवी नानी भी कहते हैं। इसे कोटारी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के शव को लेकर जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया था और माँ सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद हिंगलाज में माता सती का ब्रह्मरंध्र यानी सिर गिरा था। तभी से यहाँ माँ का मस्तिष्क विराजमान है। यहाँ हिंगलाज माता के भैरव कोट विशा या भीम लोचन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर भगवान गणेश, माता काली और गोरखनाथ की धुनी भी स्थापित है, लेकिन बड़े दुख की बात है यहाँ भारत के हिंदुओं को आने की मनाही है। सुनी सुनाई बातों की माने तो यहाँ मुश्किल से किसी को वीजा मिल भी जाए तो उसे यहाँ सुविधा नहीं दी जाती। माता हिंगलाज की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहे इसी कामना के साथ भारत के हिंदुओं ने दिल्ली के मधु विहार में माँ हिंगलाज भवानी का एक मंदिर बनाया है। पाकिस्तान के हिंदुओं और वहाँ से 1947 में आए हिंदू शरणार्थियों के लिए हिंगलाज भवानी उनकी कुल देवी है। कहा जाता है कि कर्नाट प्लेस के हनुमान मंदिर के बाद यह दूसरा मंदिर है जिसमें दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। ऐसे में भारत के हिंदू भी माँ के पहले शक्तिपीठ के दर्शन करने जा सके, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान से अजमेर शरीफ दरगाह पर लोग बेरोक टोक आ जा सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्र में माँ हिंगलाज की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को हिंदुओं के पहले शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए वीजा मिलने की राह आसान कर देनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में जय माँ हिंगलाज भवानी के साथ अपनी राय अवश्य भेजें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके माँ के भक्तों तक अवश्य शेयर कीजिए। जय हिंगलाज माता की।